नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी लाइव बैंक एग्जाम में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को PDF और जितने भी क्लासेस होती हैं उनके PDF वगैरह मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आज फ्री क्लास होने वाली है 12:30 बजे। उसमें हम क्वांट के 5 मतलब DI करने वाले हैं, तो 5 DI मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा उस फ्री क्लास में। सभी के लिए फ्री है अनअकैडमी प्लस पर। तो जो भी स्टूडेंट्स प्लस में नहीं है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो ज़रूर आइएगा दोस्तों क्लास में। इस यूट्यूब का जो ये सेशन चल रहा है, इसके एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आइएगा क्लास में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के DI, 5 सेट DI हम करेंगे, यानी टोटल करीब 25 क्वेश्चन हम DI के करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकें और कैसलेट DI को बनाने का तरीका सीख सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये यहाँ पर आप लोगों को DI दिख रहा है, एक बार आप इसको बनाने की कोशिश करिए, देखिए आप लोगों को कितना समय लगता है। एक अप्रॉक्स टाइम 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। तो ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही ईजी है, प्रीलिम्स लेवल का DI है, जैसा कि आपके SBI क्लर्क के पेपर में एक्सपेक्टेड है। क्लास मिलती नहीं निशांत गर्ग जी, मैं मोबाइल में कैसे देखना है क्लास, और मतलब अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे देखना है, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो इसलिए ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। अनअकैडमी का ऐप आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी से आप क्लास देख पाएंगे अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो। अनअकैडमी का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप फ्री क्लासेस देख सकें। क्योंकि दोस्तों, जो मैंने रीजनिंग की 10 फ्री क्लासेस ली थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कल की क्लास में आए थे, इस वजह से मैंने आज एक बोनस क्लास रखी है आप लोगों के लिए। एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए ले रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आप लोगों को DI के 5 सेट करवाने वाला हूँ आज। ज़रूर आइएगा 12:30 बजे, मिस मत करिएगा। लाइव देखोगे दोस्तों तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप रिकॉर्डिंग देखकर भी समझ सकते हो चीज़ों को, बट जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आप जब लाइव क्लास में आओगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी बिल्ड होगी। तो कोशिश करके देखिए, 4 लाइव क्लासेस देखो और 4 फ्री क्लासेस देखो, मतलब 4 लाइव क्लासेस देखो, 4 रिकॉर्डिंग देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि फायदा आपको किस में मिल रहा है। प्लस कोर्स लैपटॉप मोबाइल दोनों पे देख सकते हो। पीव कर दिया मतलब गौरव कुमार जी क्या कहना चाह रहे हो समझ नहीं आया। देखिए, सबकी अपनी चॉइस होती है, वो किसी और को फॉलो करते हैं तो उनको फॉलो करने दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जितने स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं भाई, रिजल्ट ऑटोमेटिक आप लोगों को दिख जाता है। 35 में 35 कितने सारे स्टूडेंट्स लेकर आते हैं रीजनिंग में, वो भी एक एक दो दो महीने के प्रिपरेशन के बाद भी 35 में 35 लेकर आते हैं। तो मुझे और इस चीज़ से मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो फॉलो करते हैं बिल्कुल करिए, जो नहीं करते हैं बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपकी चॉइस है दोस्तों, क्योंकि आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या अच्छा है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी लोगों का सॉल्व हो चुका होगा। तो इसको बनाने का तरीका, पहले तो ये बताइए कितने लोगों का सॉल्व हो गया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिनका जिनका सॉल्व हो चुका है। 3-3.5 मिनट हो चुके हैं, इतना टाइम मोर देन सफिशियंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सकते हैं, मैं एक डीआई और करवाऊंगा इसके बाद, तो आप लोगों का पूरा जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इन एन ऑफिस देयर आर 200 एम्प्लॉइज, टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 200, ठीक है। हु कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, इनमें से कोई सा भी मतलब जो प्रोडक्ट है ये लोग कंज्यूम करते हैं। तो प्रोडक्ट कौन कौन से दिए हुए हैं? एस्प्रेसो, कैपुचिनो और लेटे, ठीक है। एस्प्रेसो, कैपुचिनो और लेटे, तो इसको मैं ऐसे यहां पर 2-3 पाई चार्ट बना रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा। ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये तीन सर्कल, तो ये तीन सर्कल को आपको तीनों के नाम देने हैं। एक है एस्प्रेसो, चलो मान लेते हैं ये एस्प्रेसो है, ठीक है। एक कैपुचिनो है, तो इसको हम मान लेते हैं ये कैपुचिनो है। और जो तीसरा लेटे है, तो हम ये वाले सर्कल को मान लेते हैं कि ये लेटे है, ठीक है। अब दोस्तों ये आप लोगों को तीन जो सर्कल दिख रहे हैं ना, ये तीनों सर्कल सबके सेपरेट सेपरेट है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला सर्कल एस्प्रेसो का है, ये वाला सर्कल कैपुचिनो का है, और ये वाला सर्कल लाटे का है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस पे आप डिफरेंट नेमिंग कर दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ए बी सी डी ई एफ जी पूरा इसमें नोट कर लिया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं, पहले इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दोस्तों आप लोगों को कंडीशन दी गई है ओनली एस्प्रेसो, ओनली एस्प्रेसो, तब आप कौन सा इसमें से लेटर चूज करेंगे? जल्दी बताइए, फटाफट बताते जाइए। अगर मैं आपको बोलता हूं ओनली ए, मतलब सॉरी ओनली एस्प्रेसो, तो ओनली एस्प्रेसो वाला कौन सा है भाई? ऐसा पार्ट इस सर्कल का जो सिर्फ और सिर्फ एस्प्रेसो में है, दूसरे सर्कल में नहीं जा रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। मतलब कि ये ए वाला पोर्शन, ये यहां से आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एस्प्रेसो है। वैसे ही अगर मैं बात करूं ओनली कैपुचिनो, तो मतलब ये सी वाला पोर्शन है जो ओनली कैपुचिनो है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि ओनली लैटे, तो इसमें कौन सा? ये जी वाला पोर्शन हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ लैटे का है और किसी सर्कल में नहीं जा रहा। अब दोस्तों बात होती है ऑल थ्री, अगर मैं ऑल थ्री की बात करूं, तो इसमें से आपको ऐसा कौन सा पार्ट दिख रहा है जो ऑल थ्री मतलब तीनों सर्कल में है? तो वो है ये बीच वाला ई वाला पार्ट। आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला सर्कल भी ई में आ रहा है, ये वाला सर्कल भी ई में आ रहा है, और ये वाला सर्कल भी ई में आ रहा है। तो ई क्या हो गया भाई? तीनों में हो गया, ठीक। अब दोस्तों और कौन सी कंडीशन होती है? और कंडीशन होती है कि ओनली एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो, बट मतलब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बोथ एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो बट नॉट लैटे, बोथ एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो बट नॉट लैटे, तो इसमें कौन सा पोर्शन हो जाएगा? बी वाला। भाई बी वाला पोर्शन कहां है? एस्प्रेसो में भी दिख रहा है और कैपुचिनो में भी दिख रहा है, लेकिन इस लैटे के सर्कल के बाहर है, ठीक है। सेम चीज इस एफ वाले के लिए भी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? बोथ कैपुचिनो एंड लैटे बट नॉट एस्प्रेसो, बोथ कैपुचिनो एंड लैटे बट नॉट एस्प्रेसो। सेम चीज इस डी के लिए भी हो जाएगी, बोथ लैटे एंड एस्प्रेसो बट नॉट कैपुचिनो। भाई लैटे में है, एस्प्रेसो में है, बट कैपुचिनो में नहीं है, कौन सा पोर्शन? डी वाला। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, इस डी आई को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या बोल रहा है, टोटल कितने मेंबर्स हैं? 200, ठीक है। इन एन ऑफिस देयर आर 200 एम्प्लॉइज, 200 एम्प्लॉइज थे। अब क्या बोल रहा है, 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लेटे बोथ, वाइल 15 कंज्यूम एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो बोथ। अब ध्यान से समझिएगा भाई, जो चीज लिखी हुई है ना उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, थोड़ी सी भी गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर क्या बोला है, 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लेटे बोथ। भाई एस्प्रेसो भी कंज्यूम करता है और लैटे भी कंज्यूम करता है, कितने लोग? 25 लोग। तो भाई ये कौन सा पोर्शन होगा, चलो आप लोग बताओ, ये 25 जो है वो कौन सा पोर्शन होगा इसमें से? दोस्तों आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि बोथ एस्प्रेसो एंड लैटे बट नॉट कैपुचिनो, तब डी आता है। भाई आपको क्या बोल रहा है, बोथ एस्प्रेसो प्लस लैटे बट नॉट कैपुचिनो, तब डी आता है। बट आपको बट नॉट कैपुचिनो तो नहीं बोला ना, आपको क्या बोला, आपको सिर्फ ये बोला 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम एस्प्रेसो एंड लैटे बोथ। तो भाई एस्प्रेसो और लैटे बोथ कंज्यूम करने वाले कौन है, डी और ई, ये दोनों है ना भाई। ये ई भी तो एस्प्रेसो और लैटे कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोला कि बट नॉट कैपुचिनो, इसलिए डी प्लस ई होगा। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो डी प्लस ई इक्वल्स टू 25। हां या ना, हां या ना, होगा ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, व्हाइल 15 कंज्यूम एस्प्रेसो एंड कैपुचिनो। तो एस्प्रेसो और कैपुचिनो वाले कौन कौन है भाई, बी और ई। तो बी और ई की अगर मैं बात करूं तो ये कितने हैं, 15 हैं। अब क्या बोल रहा है, 35 कंज्यूम ओनली लैटे, 35 कंज्यूम ओनली लैटे। तो ओनली लैटे वाले कौन से भाई, ये जी वाले हैं ना, तो जी को लिख देते हैं यहां पर। आगे क्या बोल रहा है, 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम एस्प्रेसो, 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम एस्प्रेसो। भाई एस्प्रेसो मतलब पूरा एस्प्रेसो का सर्कल हो जाएगा, ए बी डी ई पूरा लिख दो यहां पर, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 95। भाई एस्प्रेसो पूरा की बात कर रहा है ना, 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम एस्प्रेसो, ओनली एस्प्रेसो नहीं बोला है यहां पर। ओनली वर्ड का बहुत बहुत जरूरी चीज है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए अच्छे से उसको देखना है, ठीक है ना। 30 कंज्यूम ऑल थ्री ड्रिंक्स, 30 कंज्यूम ऑल थ्री ड्रिंक्स। अब क्या होगा बताइए, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनते जाइए भाई। इसमें क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि इसमें आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। गलत था क्वेश्चन में अभिजीत, गलत नहीं था, क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया गया है बस। जो समझ गया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझा समझ जाएंगे थोड़ी देर में। आपको क्या बोला है, 30 कंज्यूम ऑल थ्री ड्रिंक्स, 30 लोग हैं जो तीनों ड्रिंक कंज्यूम करते हैं। तो तीनों ड्रिंक वाला कौन सा है, ई, मतलब E इक्वल्स टू कितना हो गया, 30। आगे क्या बोल रहा है, 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ड्रिंक, मतलब 100 एम्प्लॉइज जो हैं वो एग्जैक्टली वन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, मतलब कि ए सी और जी बोल सकते हो आप इसको, ए सी और जी बोल सकते हो ना, ए प्लस सी प्लस जी इक्वल्स टू 100। अब दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या किया गया है, बट नॉट वाली कंडीशन नहीं दी गई है। कैसे समझना है उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला ना कि भाई अगर आपको बोलता है बोथ एस्प्रेसो एंड लैटे बट नॉट कैपुचिनो, अगर आपको क्वेश्चन में बट नॉट कैपुचिनो नहीं दिया है तो आप समझेंगे कैसे कि भाई ये सिर्फ डी की बात कर रहा था या डी और ई दोनों की बात कर रहा था। इस चीज को कैसे समझोगे, यहां से समझ में आएगा। जब आपको पता चल गया कि भाई ई की वैल्यू 30 है, ई की वैल्यू 30 है, तो बी प्लस ई इक्वल्स टू 15 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहां से आप ई को हटा दो, यहां से भी आप ई को हटा दो। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए इसमें आपको बट नॉट वाली कंडीशन नहीं दिया गया है। तो ये डी इक्वल्स टू 25 हो गया, बी इक्वल्स टू 15 हो गया, जी इक्वल्स टू 35 हो गया, ई इक्वल्स टू 30 हो गया। अब जो जो चीजें आपको दिखते जा रही है भाई, आप उसको नोट करते जाओ, आपकी सारी वैल्यूज पता चलते जाएंगी। चलिए मैं अलग से एक बार नोट कर देता हूं, आपको क्या क्या मिल चुका है, डी बी जी, ठीक है, डी बी और जी मिल चुका है, ई भी मिल चुका है। तो दोस्तों करना क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 95। इसमें ई की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है। इसमें बी की वैल्यू कितनी है, 15। इसमें डी की वैल्यू कितनी है, 25। ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 70। तो भाई अगर ये तीन को ऐड करके 70 आ रहा है, उस 70 को मैं इधर ले जाके माइनस करूंगा तो ए की वैल्यू 25 आ जाएगी ना, आ जाएगी ना ए की वैल्यू 25। अब देखो दोस्तों, ए की वैल्यू 25, ठीक है, जी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 35, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया,
60 को अगर अगर मैं इस तरफ ले जाके माइनस कर देता हूं तो भाई सी की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी ना, सी की वैल्यू 40। अब क्या बच गया आपके पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बस आपके पास बचा है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एफ बचा है। कैसे निकालोगे एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे? बाकी सब मैं इरेज कर देता हूं, बाकी सब की जरूरत नहीं है। भाई 200 टोटल है ना, देखो आपको क्या क्या मिल चुका है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया और जी मिल गया आपको, बाकी सारी चीजें ई भी मिल चुका है, सब कुछ आपको मिल चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपका एफ बचा है। और भाई सबका आपको मिलाकर पता है ना 200 है, तो 200 में इन सब का टोटल को आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, टोटल करो इन सबको कितना होगा, इन सबका टोटल जल्दी बताओ, इन सबका टोटल कितना होगा, 50, 40, 90, 100, 110, 140 और 170, 30 बचा। रिपीट अगले क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, अगला क्वेश्चन फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 170 हुआ ना टोटल, तो भाई आपको एफ की वैल्यू पता चल जाएगी ना इससे, ये आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है, ये आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है। एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि इन वैल्यूज से हम क्वेश्चन बनाएंगे, इन वैल्यू से हम क्वेश्चन बनाएंगे, या चलो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पर क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग ओनली एस्प्रेसो टू द एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कैपुचिनो एंड लेटे बोथ, ओनली एस्प्रेसो और कैपुचिनो प्लस लेटे बोथ, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। भाई ओनली एस्प्रेसो वाला कौन सा है, ए, और कैपुचिनो और लेटे बोथ वाला कौन सा है, F, तो F का कितना दिया है भाई 30, यहां पर मैं 30 लिख देता हूं, A की वैल्यू कितनी दी है 25, तो 25 और 30 का रेशियो क्या होता है 5:6, चलिए देख लेते हैं भाई, इसमें दिख रहा है 5:6, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू ड्रिंक एग्जैक्टली टू ड्रिंक्स, एग्जैक्टली टू ड्रिंक्स बोला है, कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो एग्जैक्टली दो ड्रिंक्स लेते हैं, भाई B, D और F, ये एग्जैक्टली दो ड्रिंक लेते हैं, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, बी एफ और डी, तो भाई बी की वैल्यू है 15, एफ की वैल्यू है 30 और डी की वैल्यू है 25, तो कितना हो जाएगा 70, ये देखो इसमें आ जाएगा आपका आंसर 70। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, चलिए मैं इधर आ जाता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग कैपुचिनो आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग लैटे, कैपुचिनो वाले लैटे वाले से कितने परसेंट है, तो कैपुचिनो वाले लैटे वाले के कितने परसेंट है ये आपसे पूछा है, ये वाले इसके कितने परसेंट है, भाई ये वाले मतलब ये पूरे, ओनली नहीं बोला है ना, ओनली का बहुत यूज होता है भाई, ओनली नहीं बोला है, आपको बोला है एम्प्लॉयज कंज्यूमिंग कैपुचिनो मतलब ये पूरे, तो सीबीई एफ कितना हो जाएगा, सीबीई एफ 40 और 15 55, 55 और 30 85, ठीक है, और कौन सा बच गया, F बचा था, तो 85 और 30 115, तो 115 कितना परसेंट है अप्रॉक्स किससे, लेटे वाले से, तो लेटे वाले कौन कौन से भाई, डी ई एफ जी, आप चाहो तो ये सब वैल्यूज को आखिरी में इसमें नोट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना, आप यहां पर पूरी वैल्यूज को ऐसे नोट कर सकते हो, तो भाई कितना कितना हो जाएगा, जी हो गया 35 और डी कहां पर है भाई, डी 25 है, 30 60 हो गया, 60 के बाद ये 30 90 और एफ की वैल्यू कितनी है 30 90 और 30 120, तो 115 120 का कितना परसेंट है अप्रॉक्स, 5 से काटेंगे 20 से काटेंगे तो 5 और इसको 20 से काटेंगे 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 575, डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6 से काट दो इसको, 6 नियम 54 35 अप्रॉक्स 96% के आसपास आ रहा है, तो यहां पर आपको ये 95 दिख रहा है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये था ये वाला था, सॉरी माफी चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन था, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, ये 96% इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट कंज्यूम्स मोर देन वन ड्रिंक, भाई मोर देन वन ड्रिंक आपको निकालना है, मोर देन वन ड्रिंक मतलब
एक से ज्यादा, तो एक वाले कौन कौन है, सी जी और ए, जो कि आपको दिया था 100 है, ये देखो बोला था ना 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली वन ड्रिंक, आप यहीं से डायरेक्ट आंसर दे सकते थे भाई, आपको जब पता है कि एक ड्रिंक लेने वाले सिर्फ और सिर्फ 100 लोग हैं, तो बचे हुए जो 100 होंगे ये आपका आंसर बन जाएगा, जो एक से ज्यादा ड्रिंक लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कैसलेट डीआई समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको बनाने की कोशिश करिए दोस्तों, बिल्कुल सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है, सेम अप्रोच फॉलो करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, 3 मिनट का समय है आप लोगों के पास। गौरव कुमार जी ना, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तीन मिनट बहुत कम है, क्या आप बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा है 3 मिनट, 3 मिनट में तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। चलिए डन हो गया, काफी लोगों का 1.5 मिनट में ही, बहुत अच्छी बात है भाई, 1.5 मिनट में ही आप लोगों ने बना लिया। इसी से ये समझ में आ जाता है भाई कि 3 मिनट मोर देन सफिशियंट है। जो लोग बोलते हैं कि सर मोर देन सफिशियंट नहीं है, 3 मिनट कम है, तो देख लीजिए काफी लोगों का डन हो चुका है। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट बना सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है भाई, देयर आर 210 persons in a party and all of them eat different flavored ice cream. सब अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। 40 people eat only butterscotch, 30 people eat all three flavored ice cream, there are total 130 people who eat butterscotch and 100 people who eat vanilla, 40% eat butterscotch and vanilla only. तो यहां पर दोस्तों चॉकलेट, वेनिला और बटरस्कॉच, तीन टाइप की आइसक्रीम आपको दी गई है। चलिए मैं यहां पर इसको पहले पाई चार्ट बना लेता हूं, तीन पाई चार्ट बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया बटरस्कॉच, ये हो गया वेनिला और ये हो गया चॉकलेट। तो क्या करेंगे भाई, ये ए बी सी डी ई F और ये G। अब आप लोगों को ये चीज तो मैं समझा चुका हूं दोस्तों, अब इसमें देखते जाइए टोटल क्या बोला है, 210 लोग हैं, टोटल 210 लोग हैं, एंड ऑल ऑफ देम ईट डिफरेंट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, 40 पीपल ईट ओनली बटरस्कॉच, ओनली बटरस्कॉच वाला मतलब A, तो A कितना हो गया, A कितना हो गया 40 हो गया ना। अब क्या बोल रहा है आपको, 30 पीपल ईट ऑल थ्री फ्लेवर्ड आइसक्रीम, मतलब ई हो गया आपका कितना, मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ और जी, तो ई के लिए आपका बात किया गया, 30 पीपल ईट ऑल थ्री फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ऑल थ्री वाली ये ई है, तो ई में लिख दो आप कितना 30। आगे बोल रहा है आपको, देयर आर टोटल 130 पीपल हु ईट बटर स्कॉच एंड 100 पीपल हु ईट वेनिला, भाई बटर स्कॉच वाले टोटल कितने हैं 130, तो बटर स्कॉच वाले ये पूरे हैं होंगे भाई, देखिए हाथ को देखिएगा मेरे, ये पूरे होंगे ना बटर स्कॉच वाले, क्योंकि बटर स्कॉच का सर्कल ये वाला था, तो ए बी डी ई यहां पर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 130। और क्या बोल रहा है आपको, ऑल थ्री फ्लेवर्ड आइसक्रीम, देयर आर टोटल 130 पीपल हु ईट बटर स्कॉच एंड 100 पीपल हु ईट वेनिला, तो वेनिला वाले भाई ये वाले पूरे हो जाएंगे, ये पूरा सर्कल वेनिला का है ना, तो वेनिला वाले पूरे कितने हैं 100, मतलब बी सी ई एफ, बी सी ई एफ इक्वल्स टू 100, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, आगे आपको बोल रहा है 40 पीपल ईट बटर स्कॉच एंड वेनिला ओनली, देखिए ये ओनली यहां पर यूज कर दिया, अब ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है,
40 पीपल ईट बटर स्कॉच एंड वेनिला ओनली, कौन सा होगा जल्दी बताओ, कौन सा होगा ये वाला, 40 पीपल ईट बटर स्कॉच एंड वेनिला ओनली, बटर स्कॉच एंड वेनिला ओनली कौन सा पोर्शन होगा, बी भाई, बी वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जो बटर स्कॉच और वेनिला ओनली, ओनली मतलब सिर्फ बटर स्कॉच और वेनिला, चॉकलेट नहीं आना चाहिए उसमें, मतलब बी वाला पोर्शन 40। आगे बोल रहा है 10 पीपल ईट चॉकलेट एंड वेनिला ओनली, भाई चॉकलेट एंड वेनिला ओनली मतलब एफ वाला पोर्शन आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। अब दोस्तों इसका यूज करके आप बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हो, कैसे, ए की वैल्यू 40 ये देखो 40, बी की वैल्यू 40 ये देखो 40, ई की वैल्यू 30 यहां पर रख देते हैं 30, तो ये टोटल कितना हो गया 80 और 30 110, 110 को इधर ले जाके माइनस करोगे तो बचता है 20, वो डी की वैल्यू हो जाएगी। भाई देख लो एक बार, ये 40 ये 40 ये 30, तो 40 40 80 और 30 110, 110 को इधर ले जाके माइनस करोगे तो बचेगा 20, वो डी की वैल्यू हो जाएगी, हमने लिख दिया डी की वैल्यू। अब इसको देखो, बी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू निकालना है, ई की वैल्यू 30, एफ की वैल्यू 10, टोटल करो 40 50 और 30 80, 80 को इधर ले जाके माइनस करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 20, ये हो गया। अब भाई सबको ऐड करो 210 में, माइनस करो तो जी की वैल्यू भी आ जाएगी, सबको ऐड करो 100 150 160 बचा कितना 50, वो जी की वैल्यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसलेट डीआई अगर इस प्रकार का आपको एग्जाम में आता है तो कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल होता है, इतना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया, चलिए इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं यहां पर, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु ईट ओनली चॉकलेट, सिर्फ चॉकलेट खाने वाले कितने लोग हैं, भाई सिर्फ चॉकलेट खाने वाले 50 लोग हैं, 50 इसका आंसर। पीपल ईटिंग चॉकलेट एंड बटर स्कॉच ओनली, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच ओनली आर व्हाट परसेंट ऑफ पीपल ईटिंग ओनली बटर स्कॉच, चॉकलेट बटर स्कॉच ओनली वाले बटर स्कॉच का, ओनली बटर स्कॉच वाले का कितना परसेंट है, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच ओनली यानी डी वाले, ओनली जो बटर स्कॉच वाले, ओनली बटर स्कॉच वाले कितने भाई 40, इसका कितना परसेंट है 20, 40 का कितना परसेंट है 50%। नंबर ऑफ पीपल ईटिंग ओनली वेनिला, सिर्फ वेनिला वाले हाउ मच लेस देन पीपल ईटिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आइसक्रीम, सिर्फ वेनिला वाले थे सी यानी कि 20, इज हाउ मच लेस देन ऑल थ्री, ऑल थ्री वाले 30 हैं, आपसे पूछ रहा है 20 जो है वो 30 से कितना कम है, 10 कम है, 30 से कम है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो जाता है भाई 100/3, 100/3 कितना होता है, कहां गया ये था, अच्छा इसमें आपको परसेंटेज में नहीं बताना है ना, इसमें आपको परसेंटेज में नहीं बताना है, तो आप नॉर्मली इसमें देख सकते हो, यहां पर क्या बोला था भाई 30 से 20 कितना कम है 10 कम है, 30 से 20 कितना कम है 10 कम है, परसेंटेज में पूछता तो कितना हो जाता 33.33%, अगर यही क्वेश्चन सेम में अगर आपसे पूछ लेता परसेंटेज में बताओ तो हो जाता 33.33%, बट यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पूछा है तो 10 भाई 20 जो है वो 30 से कितना कम है 10 कम है, अगर पूछता कितने परसेंट कम है 33.33% कम है, ठीक है। अब ये लास्ट ये वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है, पीपल ईटिंग चॉकलेट्स आर व्हाट परसेंट ऑफ पीपल ईटिंग वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट वाले वेनिला आइसक्रीम का कितना परसेंट है, चलो देखते हैं भाई, चॉकलेट वाले मतलब ये पूरा हो जाएगा ना चॉकलेट वाला, ई डी एफ जी, ई डी एफ जी, ई डी एफ जी, ये पूरे को टोटल करो 50 50 100 110, तो 110 आ गया, इज व्हाट परसेंट, क्या किसका पूछा था भाई, किसका पूछा था, पीपल ईटिंग चॉकलेट आर व्हाट परसेंट ऑफ पीपल ईटिंग वेनिला, तो वेनिला वाले का निकाल देंगे, ये तो 110 आ गया, अब वेनिला वाले को देखो, ये बी सी ई एफ, बी सी ई एफ कितना हो जाएगा 40 50 60 और 40 100, 110 100 का कितना परसेंट है, 110 100 का कितना परसेंट है, 110 100 का कितना परसेंट है,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कैसलेट डीआई बनाना आ गया होगा। और भी प्रकार के कैसलेट डीआई होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही इसी प्रकार का कैसलेट डीआई होता है, और भी डिफरेंट टाइप के कैसलेट डीआई होते हैं, तो वो भी हम करेंगे दोस्तों। आज जो क्लास होने वाली है उसमें हम 5 DI करने वाले हैं, कैसलेट नहीं, 5 DI करने वाले हैं। अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को और भी कैसलेट भी वहां पर करवाऊंगा, उस फ्री क्लास में जरूर आइएगा दोस्तों। बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ्स बहुत सिंपल होता है दोस्तों। देखिए मैं इसलिए ये चीज़ बोलता हूँ क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रहा था मुझे भी मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत कम नंबर आते थे, समझ ही नहीं आता था कैसे निकाल लेते हैं इतनी जल्दी लोग। लेकिन धीरे 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 कुछ कुछ तरीकों को यूज़ करते हुए मैंने मैथ्स को इम्प्रूव किया, वो चीज़ें मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, तो ज़रूर क्लास में आइए। और दोस्तों अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कर लीजिएगा ankushyt10, ठीक है। फ्री क्लास कैसे देखना है बता रहा हूँ, तो रुके रहिए क्लास में, जाइएगा मत। तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये जो कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है ankushyt10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को काफ़ी सारे कोर्सेस मिलते हैं, हर एग्जाम के कोर्स मिलेंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के, मैथ्स, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, और सारे टीचर्स के। तो आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको PDF मिलते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, आप डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं। तो बहुत कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों अनअकैडमी प्लस के। अब दोस्तों चलते हैं कि भाई देखना कैसे है, फ्री क्लास कैसे देखना है दोस्तों। मैं आप लोगों को मोबाइल में बता देता हूं और लैपटॉप में भी बता देता हूं, ठीक है, कैसे देखना। चलिए पहले, सबसे पहले मैं मोबाइल की बात करता हूं। मोबाइल में आप लोगों को कैसे देखना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते जाइएगा जिनको भी क्लास देखना है। देखिए सबसे पहले तो आप मोबाइल में ऐप ओपन कर लीजिएगा अनअकैडमी का, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप पहले अपडेट कर लीजिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोगों को दोस्तों ब्राउज में जाना है। ब्राउज दिख रहा है ना जस्ट बगल में आपको, नीचे में ऐसे मोबाइल में, ये मोबाइल है, उसमें नीचे में आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये जो ये वाला है ना ऑप्शन, ये ब्राउज का ऑप्शन है, आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। वो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा मेरा नाम नीचे में, अंकुश लांबा करके आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और वहां क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को वहां पर लाइव क्लास मेरी स्पेशल वाली दिख जाएगी, जो फ्री क्लास है वो आपको वहां पर लाइव दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूर आइए क्लास में, भी मिस मत करिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लैपटॉप में अगर आप देख रहे हैं तो कैसे देखना है आप लोगों को, लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं, अनअकैडमी की वेबसाइट पर चले जाइए। इस वेबसाइट पर जाने के बाद इस सर्च बटन पर जाकर आप मेरा नाम सर्च कर दीजिएगा, अंकुश लांबा, और जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिए इसको। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाना है, ये स्पेशल क्लासेस जो दिख रहा है ना, ये जो स्पेशल क्लासेस दिख रहा है इस पे आप लोगों को जाना है सी ऑल करके, सी ऑल कर देंगे तो आप इस पर चले जाएंगे। अब यहां पर ये जो दिख रहा है ना डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस सेट, तो ये वाली क्लास है दोस्तों जो आज 27 तारीख को होने वाली है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अभी कर लीजिएगा दोस्तों 12:30 के पहले, क्योंकि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग कर लेंगे तो ज्यादा फायदा है, रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो इस पे, यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ना इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये क्लास आपको दिख जाएगी। 20 मिनट बचे हैं दोस्तों, रजिस्टर नाउ जरूर कर लीजिए, नोटिफाई में जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास के पहले। 12:30 के 2 मिनट पहले आ जाइएगा दोस्तों, वरना आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा देगा, इसलिए आप इसको नोटिफाई में जरूर कर लीजिए। लिंक वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो क्लास में जरूर आइएगा दोस्तों, मिस मत करिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में। कितने मंथ का बेटर रहेगा, देखिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो 1 ईयर, अगर आप बिगिनर हैं अभी अभी आपने स्टार्ट किया, 2 महीने 3 महीने हुए तो 1 ईयर मोर देन सफिशियंट है। और अगर आपके प्रीलिम्स निकल जाते हैं, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं अच्छे मार्क्स से, सिर्फ आपको मेंस के लिए करना है तो कम से कम 6 महीना, क्योंकि मेंस की तैयारी 1 महीने या 2-3 महीने में नहीं हो पाती। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, 1 महीने के अंदर आप मेंस के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो कम से कम 6 महीना मेंस के लिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम 1 साल। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन में ही हैं और अभी से आपने पढ़ाई चालू कर दी है, तो 2 साल।
तो ये तीन क्राइटेरिया, 1 महीना और 3 महीना दोस्तों उनके लिए है भाई जिनका मेंस एक आध नंबर से रुक जाता है कभी कभार, और या फिर वो डेमो लेना चाहते हैं कि हाँ चलो भाई देख लेते हैं कैसा है। तो देखिए देखना ही है ना अगर आपको कि कैसा है प्लस, तो फ्री क्लास में आ जाइए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही प्लेटफॉर्म है, प्लस का ही फ्री क्लास हो रही है आज, जो स्पेशल क्लास होती है वो प्लस की ही फ्री क्लास होती है, तो उसको जरूर देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, और जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि लेना फायदेमंद है या नहीं। तो जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं भाई वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि प्लस आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।